हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। में वैष्णव, आप देख रहे एक्सपेरिमेंट राइशा। मेरा अवतार फिलहाल बहुत खराब है, बट बेयर विद इट, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग नीचे ही कर दी है। मैं जा रही हूँ राइट नाउ चिकन लेने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। आज मैंने सोचा है कि मतलब व्हाट आई डू इन माय डे, नॉर्मली अ नॉर्मल डे इन ऐश्वर्याज लाइफ। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ कुकिंग वीडियोज़ का, लेकिन मैंने कभी दिखाया नहीं कि मेरा सेटअप क्या होता है, मैं वीडियोज़ कैसे शूट करती हूँ, दिस दैट। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं चिकन लेने के लिए और फिर नहाएंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपना दिन। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 10:30। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डे। मैं जा रही हूँ मेरी स्कूटी पे, जो ख़राब हो गई थी बहुत टाइम से, अभी मैंने बनवा के ली है नई। मुझे लगा था तगड़ा खर्चा आने वाला है 3-4 हज़ार का, लेकिन नहीं भाई, 300 रुपये में 300 रुपये में होगी। हम लोग का ये जो है, ये जो कवर है वो टूट गया था, तो नया लगाया है। तो अभी गाड़ी एकदम टकाटक हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं चिकन लेने के लिए एंड देन देखते हैं आगे दिन कैसे जाता है। मैं निकल ले रही थी तभी मेरे को आवाज़ आई इस लड़के की जो भौंके जा रहे ऊपर, बुना कायला, देखो कैसे देख रहा है वो। वहाँ पे दूध वाले आए ना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हमारे शिफा मेडिकल के यहाँ पे दो छोटे छोटे क्यूटी से एकदम छोटे छोटे रास्ते के बीच में बैठे थे। यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया इनको, मर जाते हैं ना कोई गाड़ी वाला तो। एक तो आजकल गाड़ी वाले भी इतने इनसेंसिटिव होते हैं, हाँ काट ले। क्यूट है यार, इनको कोई लेके क्यों नहीं जाता, किसी को अडॉप्ट करने होंगे तो बोल दो, इधर ही रहते ही है। चलो हम हमारी मंजिल पर अटक गए हैं, चलते हैं। ये है हमारी गाड़ी, दो पपीज मिले थे ना रास्ते में, उनका स्मेल आता है ना, तो इसको सहन नहीं होता। ही इज जेलस बीच काय का चला है, काय चला है, मस्ती वाशी वाशी का चला चालू है। देखो जलन किसको मिल के आई, स्मेल ले लेंगे, चल बस हो गया, काम है मेरे को, चलो नहाते फटाफट, अभी आपको नहा के मिलती हूँ। ओले, मम्मी चिकन काट रही है तो मम्मी के बाजू में कि हाँ बना मैं खाऊंगा। उसके लिए पैर लाते हैं हम, वो पैर खाता है चिकन के, बॉईल करके देते हैं नमक विमक मिर्ची विर्ची सब डाल के। बहुत नखरे है इसके, कच्चा नहीं खाता। नहा धो के रेडी बिचेस, ये देखो मेरे चाप और ये मैं, रुको फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। ये मैंने 3 टॉप मंगाए थे ऑलमोस्ट, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के, सेम कॉम्फी टी शर्ट्स है मीशो से, बहुत सेक्सी है। मतलब मेरा सारा काम वर्क फ्रॉम होम रहता है ना, तो मेरे को घर पे पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, तो मैंने ऐसे टी शर्ट्स मंगा दिए, एकदम सेक्सी, एकदम कोजी मज़ा आ जाता है। और ये मेरे ब्राउन बाल, जिसका फर्स्ट वॉश में बहुत ही ज़्यादा कलर निकल चुका था, अभी देखते हैं इसका भी 2-3 महीने टिकेगा, उसके बाद वापस मेरे बाल ब्लॉन्ड हो जाएंगे। तो चलिए हमारे दिन को स्टार्ट करते हैं, चिकन लेके आई होंगी, अभी चिकन बनाते हैं, मैं आपको मेरा सेटअप दिखा देती हूँ, चलो। तो ये है मेरे भिन्न भिन्न प्रकार के बाउल्स, मैं ये सारे कलेक्टेड है और इसमें मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो लेती हूँ। तो ये है मेरा मिनी सेटअप, यहाँ पे मम्मी ग्रीन चिकन नहीं, नॉर्मल चिकन रेसिपी, चिकन करी की तैयारी कर रही है, वो उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, मेरा अलग डिपार्टमेंट होता है बनाने का। तो चलिए अभी बनाते हैं, आज मैं बनाऊंगी चिमीचूरी चिकन। सो मैंने सारी तैयारी कर ली है, यहाँ पे चिकन है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स लाइनअप करके रखे हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं चिमीचूरी चिकन बनाने के लिए, जिसका मैं आज शूट करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ फॉर माई ओन चैनल, जो मैं यूट्यूब पे, यार फैन की आवाज़ आ रही होगी ना, सो दिस इज़ फॉर माई ओन चैनल, जो मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ वो बनाने वाली हूँ आज। मेरे जो फ्री लांसिंग के वीडियोज है वो एक्चुअली द प्रोसीजर इज सेम, बट आई एम नॉट अलाउड टू यू नो टू पोस्ट एनी कॉन्टेंट अबाउट इट ऑन माई पर्सनल यूट्यूब चैनल। आई कैन मेक द डिश अगेन अकॉर्डिंग टू माई चॉइस एंड आई कैन अपलोड एट दैट टाइम, बट मैं पायरेसी का केस हो जाता है बिकॉज आई एम सेलिंग दोज वीडियोज राइट, तो इसीलिए। तो चलिए देखते हैं कि मैं मेरे खुद के रील्स कैसे शूट करती हूँ। दीज आर माई शीट्स जो मैं यूज़ करती हूँ नीचे बैकग्राउंड बेस के लिए। अभी हम सपोज ऐसे कैमरा है तो ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है कि नीचे ग्लास की फ्रेम है एक्सेट्रा,
तो इसको जिसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये शीट्स आते हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, तो आप भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Check this out. Much better than that. Much better than this glass frame, right? इसका अलग ही चल रहा है भाई। इसको कोई भी बाहर आया, इसको ये क्या होता है? डाइजेस्ट ही नहीं होता है। कोई भी नहीं चाहिए इस घर में बस। तो मैं बोल रही थी कि ये देखो, टू मच डिफरेंस राइट, जो ग्लास फ्रेम है उससे बेटर है ये। तो और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और भी मैं हमारे मेरे स्टैंड्स दिखा देती हूँ। ये मेरा एक फर्स्ट स्टैंड है जो मुझे काइंड ऑफ फ्री में मिला था। इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड। इसलिए बुनो, आई एम ट्राइंग टू शूट अ यूट्यूब वीडियो हियर। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बोलने लग जाती हूँ तभी कैसे ये भौंकता है। तो ये स्टैंड मेरे को काइंड ऑफ फ्री में मिला था, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड है इसलिए इसका जो टूट गया है फिर भी मैं एडजस्ट करके चला रही हूँ, बिकॉज ये स्टैंड का जो क्वालिटी है नीचे, जो स्टेबिलिटी ये स्टैंड देता है, बाकी अभी मार्केट में जितने भी स्टैंड्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। एंड दिस इज सेकेंड रिंग लाइट विच आई बॉट वेरी रिसेंटली। बहुत बड़ी है ये, 6-7 फुट तक हो जाती है आराम से बड़ी। और इसका बेनिफिट ये है कि आई डोंट स्टे इन मुंबई, आई स्टे इन थोड़ा रूरल एरिया एंड यहाँ पे लाइट बहुत फ्रीक्वेंटली जाती है। सो हमारा ये जो लाइट है, जो मेरा मेन बेसिस है, जो ये वीडियो अच्छा दिखता है उसके ऊपर, वो लाइट इन्वर्टर पे नहीं है, कनेक्शन नहीं है। सो दिस लाइट हेल्प्स मी अलॉट एंड मैं नॉर्मल टाइम पे भी यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट यू नो वीडियो को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है ये लाइट। तो ये मैंने ली अमेज़ॉन से, डिजिटेक की है, 1700 में ली। सो इट्स अ नाइस इन्वेस्टमेंट। तो चलिए स्टैंड लगाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द वर्क एंड यू विल शट द हेल अप। तो ये देखो मैंने लाइट अटैच कर ली है। ये मेरा पूरा सेटअप है, दैट्स इट गाइस, दिस इज माय वेरी बेसिक सेटअप जो मैंने एकदम स्क्रैच से खड़ा किया है। पहले धीरे धीरे ये शीट्स ली, स्टैंड तो ऑलरेडी था, सारे बॉल्स अच्छे अच्छे लिए एंड देन ये लाइट एंड टाइम लगता है ये सब टू ऑन थ्रू कंटेंट, बट कंसिस्टेंसी इज द की राइट। एंड मैं यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट होने का ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा हो नहीं पाता लेकिन ट्राई करूँगी, फुल प्रॉमिस, 100% ट्राई। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट शूटिंग आवर रेसिपी। यहाँ पे मैं कैमरा लगाऊंगी, मैं इस पे भी लगा सकती हूँ डायरेक्टली, बट देन इस पे लगाऊंगी ना तो ऐसा लगता है कि रात को शूट कर रही हो, तो मैं थोड़ा लाइट ना थोड़े डिस्टेंस पे रखती हूँ और इसी से शूट करती हूँ, क्योंकि ये ना थोड़ा नेचुरल इफेक्ट देता है, इससे ना बहुत ही ज़्यादा डार्क इफेक्ट आता है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो अभी सीरियसली एकदम फोकस रह के काम करते हैं। कितने बज गए भाई? 12 बज गए ऑलरेडी। 10:30 को मैं चिकन लेने गई थी, 1.5 घंटा हो गया है मेरा, नो प्रोग्रेस। बट अभी हम एक बार बनाने लग जाओ ना, तो सिंपल है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, कैमरा स्टैंड पे लगा देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि मेरे पास 2 कैमरा नहीं है यार, तो मेरे को मतलब मैं शूट करूँगी ना तो मैं लाइव नहीं दिखा पाऊँगी, तो मैं रील बना के, ये जो मैं रील बना रही हूँ वो भी मैं यूट्यूब पर डालूंगी, तो ज़रूर चेकआउट करना। ओके गाइस, सो पूरी चिकन बनाने की प्रोसीजर ख़त्म हो चुकी है, मतलब मैरिनेशन की। तो लाइट वाइट बंद करके उसको 1 घंटे तक मैरिनेशन के लिए रख दिया है आराम से, फिर फ्राइंग करेंगे, तभी हम आपको फ्राइंग का सेटअप दिखाएंगे। अभी यहाँ पे तो सिर्फ टेबल का दिखाया था, बाद में फ्राइंग का भी दिखा देंगे। सारी लाइट्स वाइट्स बंद कर देती हूँ मैं, लाइट बिल भी तो बचाना होता है, इतने पैसे नहीं आते मेरे पास। थोड़ी देर रेस्ट करेगी मैं, मतलब मैं सुबह से भागे जा रही हूँ और मेरे को वीडियोस भी होते हैं वॉइस ओवर करने के बहुत सारे, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं फाइवर के थ्रू, वो मेरे को वीडियोस देते हैं वॉइस ओवर करने के लिए। उसमें ना जो रेसिपी वो लोग भेजते हैं मेरे को, उसमें आवाज़ लगानी होती है, तो अभी मैं वो काम करूँगी। 1 घंटा हो चुका है, अभी हम आ गए हैं किचन में और अभी किचन में सेटअप लगाएंगे। रिंग लाइट आ गई, मैस को प्लीज़ इग्नोर करो, इट्स लाइक मुझे कुछ टाइम नहीं मिला था तैयारी के लिए एंड घर पे खाना वाना बनता रहता है, सो इट्स ऑल मेसी। ये है हमारा छोटा सा
किचन का सेटअप, ये मेरा गैस, इसका एंगल, यहाँ पे मैं कैमरा सेट करती हूँ जिसका एंगल तो आप जानते ही होंगे अगर आप मेरे रील्स देखते हैं, और यहाँ पे मैं रिंग लाइट, मतलब रिंग लाइट थोड़े दूर से मस्त पे की लाइट देगी। चलो शूट करते हैं। यहाँ पे जितना भी ग्रिलिंग का शूटिंग का पार्ट था सारा शूट कर लिया है। यहाँ पे भी चिकन ग्रिल हो रहा है, ग्रिल नहीं हो रहा है, मतलब मैं पैन में ही कर रही हूँ, वो एक्चुअली ग्रिल में करना होता है, बट मेरे पास जो ग्रिलर है ना उसमें पता नहीं मेरे को चीज़ या तो जल जाती है या तो आधी कच्ची रह जाती है। आई डोंट लाइक दैट पैन। हमारा यहाँ पे चिकन रेडी हो चुका है, तो चलिए अभी ये सारा सेटअप जो है फटाफट से निकालते हैं, प्लेटिंग करते हैं, फाइनल शॉट लेते हैं और खाते हैं। फाइनली बहुत भूख लगी है मेरे को यार। प्रॉब्लम यही हो जाता है कि बनाते बनाते इंसान इतना खा लेता है ना कि कभी कभी भूख नहीं लगती, बट सम डिशेस स्पेशली चिकन, लाइक आप सबको तो बताओगे कि मैं चिकन की कितनी बड़ी फैन हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे चिकन बहुत पसंद है। तो चिकन के लिए नो कॉम्प्रोमाइज प्लीज, निकल जा भाई। तो चलो फटाफट से सेट बंद कर लें। सो मेरा फाइनल शूट भी हो चुका है और ये सारा पसारा भी मेरे को आवरने का है। सो वही कि अगर लग रहा होगा कि कंटेंट क्रिएटर है तो क्या रोज़ बस दिन में दो तीन रेसिपी शूट करनी है, बस बात खत्म, मार दूंगी इससे अगर ये सोचा तो। लाइक भाई वीडियो ना डिलीट कर दे मेरी, ये सब भी आवरना पड़ता है, ये सब भी आवरना पड़ता है। उसके बाद इतनी भांडी पड़ती है वो भी आवरनी पड़ती है, क्या मराठी बोल रही है, हाँ तो ये सब भी आवरना पड़ता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, ये सब भी अपनी जगह पे रखना पड़ता है, और बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं वो भी मांजने पड़ते हैं। तो चलो अभी सीधा लंच करेंगे। सो दिस इज़ आर वेरी गुड संडे, मतलब ये राइस है, चिकन की करी है जो मम्मी बना रही थी, और ये मेरा चिमीचूरी चिकन, और ये है ब्रूनो हु इज़ ट्राइंग टू स्नीक इन फूड फ्रॉम माई प्लेट, बट ये ऑलरेडी खा चुका है, इसको बहुत सारा दिया था वहाँ पे, उसकी प्लेट रखी हुई है, ये अपना खा के फटाफट खा के हमारे प्लेट में आ जाता है मांगने के लिए। और डाइनिंग टेबल है लेकिन मेरे को नहीं पसंद डाइनिंग टेबल पर बैठना, मम्मी पापा भाई बैठते हैं और ये एक ब्रूनो बैठ जाता है। यू गाइस वोंट बिलीव, अगर रात को मेरे को शॉट मिला ना तो मैं दिखाऊंगी ये टेबल पे बैठ के खाता है। तो चलो लंच एंजॉय करते हैं, बाय बाय। एक गरीब। खाना पीना डन, फाइनली बेडरूम में आई हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। अभी मुझे वीडियो एडिट करने के लिए बैठने का है, जो वीडियो शूट की मैंने रील, और मेरे बाकी के भी वॉइस ओवर के वीडियोज होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं, सिर्फ दो बाकी है। वो वॉइस ओवर कर करके मेरा गला बैठ जाता है, बट पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। ये बंदा दरवाजा खोल के अंदर आ गया, क्या ही है, बोलो ना गलत फैन पालो कुत्ता ना पालो, जोकिंग, पालो पालो यार, जितने कुत्ते पाल सके वो पालो। मेरा ना वहाँ पे मैंने वो पपी दिखाया ना ब्लैक वाला, सच्ची में अगर मेरे घर पे अलाउड होता ना और एक, या मेरे पास इतना फ्री टाइम होता कि मैं और एक पपी की केयर कर सकूँ तो मैं उसको उठा के ले आ जाती घर पे यार, बहुत क्यूट लगे पता है मेरे को, बहुत क्यूट लगते हैं कुत्ते। अभी आप बोलोगे ये चिकन खाती है और ये कुत्ता, मैं डॉग लवर हूँ, मैं एनिमल लवर भी हूँ, बट मैं अभी बचपन से प्रैक्टिस है, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन सो आई कांट हेल्प इट, बट आई एम अ डॉग। ऐश्वर्या यू आर अ हिपोक्रेट। ओके गाइस, तो चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं।